किरतपुर नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने तीसरी बार भी अच्छे वोटों से जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई। हम आपको बता दें कि वैसे तो कई और प्रत्याशियों ने भी अब्दुल मन्नान के सामने खड़े होकर चेयरमैन बनने का प्रयास किया, मगर किरतपुर की जनता अब्दुल मन्नान के अलावा चेयरमैन बनने को तैयार नहीं है। अब्दुल मन्नान ने अपने कुशल व्यवहार व कठिन परिश्रम से लोगों का दिल जीत रखा है, वह काबिले तारीफ है। किरतपुर की जनता किसी और प्रत्याशी को चेयरमैन चुनने को राजी नहीं। अब्दुल मन्नान ने तीसरी बार भी दूसरे प्रत्याशियों को हरा कर अच्छे वोटों से जीत कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब्दुल मन्नान को सपा से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया गया था। अब्दुल मन्नान ने यह जीत हासिल कर किरतपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। अब्दुल मन्नान ने कहा कि मेरी जीत में विधायक मनोज पारस का भी बहुत बड़ा योगदान है और किरतपुर की जनता जो मेरे से दिल से प्यार करती है, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी माँ और बहनों ने जो मेरे साथ रात और दिन दुआएं मांगी हैं, मैं उनका भी आभार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके लिए हर समय काम आ सकूं। अब्दुल मन्नान की जीत से उनके समर्थकों में जीत का माहौल देखा जा रहा है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए नई आवाज़ से सपना वर्मा की रिपोर्ट। और फिर घर घर सब लोगों के पास आएंगे, किरतपुर की जनता के पास, और सबका शुक्रिया अदा कर ले। आपने हैट्रिक मारी है, किरतपुर की जनता ने आपको क्यों चाहा तीसरी बार, क्या कारण रहा? ये तो जनता जानती है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा शहर है, मुझे प्यार करते हैं लोग, लोगों की मोहब्बत है, मेरी माँ बहनों की, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, जैसे कि आप नौजवान साथियों की दुआएं हैं मेरे साथ में। जैसे कि आपने विकास कराया, जो विकास रुके हुए हैं, जो वादे किए हैं, वो विकास हो पाएंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा, पूरी कोशिश करूंगा और पूरी जान लगा के मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह सब रुके हुए काम पूरे करूंगा।